और अब बात सबसे बड़े मुकाबले की। दुबई में खेले जा रहे एशिया कप के सुपर चार मुकाबले में आज भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा और एशिया कप के इस लीग में ये दूसरी बार भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। सुपर चार मुकाबले में भिड़ेंगे भारत और पाकिस्तान और शाम 7:30 बजे से दुबई में ये भारत पाक के बीच ये मुकाबला खेला जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला सुपर फोर का मुकाबला दुबई में फैंस के कैसे सर चढ़कर बोल रहा है वो हम आपको दिखाते हैं। दुबई के पास अजमान में अभी मैं हूं, जहां पर देखें एक रात पहले यहां पर कैसे स्पोर्ट्स इंथुजियास्ट, क्रिकेट इंथुजियास्ट सभी लोग यहां पर गेम खेलने इकट्ठा हुए हैं। मैच चल रहा है रात में और ये सबका वो जुनून क्रिकेट के प्रति दिखाता है जो भारत और पाकिस्तान के साथ जब मैच होता है तब लोगों में देखने को मिलता है दोनों ही तरफ। और जिस तरह से भारत ने पिछला मैच पाकिस्तान को हराया उसके बाद लोगों में दिलचस्पी और भी ज़्यादा बढ़ गई कि सुपर फोर में जीत भारत की हो। मैं यहाँ पर लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ। सर आप यहीं के रहने वाले हैं? जी बिल्कुल, मैं यहीं के रहने वाला हूँ और ये स्टेडियम देख रहे हैं ये मेरा ही स्टेडियम है और हमने ये डेवलप किया हुआ है क्रिकेट यहाँ पे। अभी इस वक्त रात में आप लोग क्रिकेट खेल लेकर इंडिया पाकिस्तान का मैच भी होने वाला है? बिल्कुल जी हाँ, इसलिए हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके लिए उत्साह बढ़ा रहे हैं टीमों का ताकि कल जो मैच हो एक्साइटमेंट हो, ज़्यादा लोग ज़्यादा देखे उसको। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप ही लोग मैच खेलने जा रहे हैं? यही रहता है हमेशा, जब भी मैच होता है इंडिया पाकिस्तान का तो लोग एक्साइटेड होते ही हमेशा। इंडिया पाकिस्तान का सुपर फोर का मुकाबला, यू लुक अप टू इट? जी मैं रविचंद हूँ, पटना से हूँ इंडिया का और क्रिकेट के हम लोग काफी फैन हैं और जैसा आप देख रहे हैं कि 4-5 स्टेडियम हम लोगों का है यहाँ। एक रात पहले आप लोग मैं क्रिकेट खेल रहे खुद ही, जैसे कि आप ही लोग की प्लेइंग 11 उतरने वाली है। बिल्कुल, और इसके पहले मैं अभी ICIC प्लेग्राउंड से भी आ रहा हूँ जहाँ पे कि इंडियन टीम प्रैक्टिस कर रही है, तो काफी अच्छा लगा। और मुझे सुना कि पाकिस्तान के एक खिलाड़ी आउट भी हो गए हैं टूर्नामेंट से इंजरी के कारण, तो कल हमारा पारा निश्चित रूप से भारी होगा। और पिछली बार जीते, आपको लगता है कल भी जीतेंगे? कल भी जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे हम लोग और हम चाहते हैं कि फाइनल में भी भारत पाकिस्तान या भारत अफगानिस्तान के साथ मुकाबला हो और हाँ सारे हम भारत के लोग यहाँ पे जाएंगे। आपका आप भी यही अजमान के रहने वाले? नहीं, अभी मैं रिसेंटली यहाँ शिफ्ट हुआ। तो कल के मैच से क्या उम्मीद है आप लोगों को और ये मतलब रात में आप लोग क्रिकेट खेल रहे हैं कल मैच होने वाला है? बस वही एक्साइटमेंट तो है काफ़ी अच्छा और टफ रहेगा मैच और इंटरेस्टिंग रहेगा, बढ़िया रहेगा। क्या उम्मीद है आपको कल के मैच? विल विन, पक्का टफ रहेगा बट जीतेगी इंडिया। बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे बात करने के लिए। इंडिया इज गोइंग टू विन, इंडिया इज गोइंग टू विन, इंडिया जीतेगी, विजयी भव, विजयी भव। तो इस तरह से ये क्रेज है लोगों का, ये आलिशान स्टेडियम यहाँ पर देखे, रात में मैच चल रहा है, अगले दिन मैच होने वाला है भारत और पाकिस्तान का सुपर फोर, ऐसा कांटे की टक्कर जिसको देखने के लिए दोनों ही मुल्कों में फैंस बिलियंस में इकट्ठा होते हैं और इतना ज़्यादा जोश दौड़ता है सभी के रगों में कि सभी लोग चाहते हैं कि हमारी टीम जीते। और जैसा हम यहाँ पर लोगों जो कि यहाँ पर स्टेडियम खेल रहे थे उनसे बात की, उनका भी ये कहना है कांटे की टक्कर होगी लेकिन जीत भारत ही दर्ज करेगा। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी, इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News आपको रखे आगे।